हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोरिंग अनसीन। और अब की बार हम निकल चुके हैं पंचाचुली के लिए, और अभी हम हैं धारचूला में। यह है धारचूला की मार्केट मेरे अगल बगल में, और हमने ये करी है अभी शेयर टैक्सी बुक, और अभी हम इस टैक्सी के थ्रू निकलने जा रहे हैं पंचाचुली के लिए। तो चलो मिलते हैं आगे, देखते हैं। हम जनरली मोस्ट प्रॉब्ली आज डुक्कू तक तो पहुँच ही जाएंगे, बाकी देख कल हम शायद से 0 पॉइंट के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग निकले थे धारचूला से 10:30 बजे करीब, और अभी टाइम हो रहा है 12:30, और हम लोग पहुंच चुके हैं कंचोती गांव में। और यहां से पंचाचुली रह जाता है समवेयर अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स, और ये जनरली मिड पॉइंट काइंड ऑफ है जहां पर लोग लंच वगैरह सब करते हैं। तो आसपास दुकान है, और यहीं पर भैया ने हमें रोका लंच करवाने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के एक झरना है, तो चलिए मैं वो झरना भी दिखाता हूँ आपको। तो फिर देख सकते हैं आप मेरे बैक साइड में, ये रहा ऊपर झरना, ये कंचोती ब्रिज है जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये झरना है। और यहाँ से एक आपको एक ग्रीन कलर का पुल दिख रहा होगा समवेयर अराउंड दिस साइड, और ये ग्रीन कलर का पुल जो है ये लेके जाता है हमें नारायण स्वामी आश्रम की तरफ। और अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो हम निकल जाते हैं सीधा पंचाचोली के लिए। तो चलिए अब मिलता हूँ आगे आपसे रास्ते में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नांगलिंग गांव, और यहां से रह जाता है दुक्तू 10 किलोमीटर, जो कि है पंचाचुली का बेस कैंप भी, और वहां से हम कल पंचाचुली के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलो अभी यहां से भी निकलते हैं। बाकी देखो हल्का सा गांव के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, 4-5 छोटे छोटे से घर हैं, और मतलब सारे लगभग होम स्टेज ही हैं, और आसपास बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, ठंडी हवा चल रही है बहुत बढ़िया। बस अब सीधा यहाँ से निकलेंगे, और नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा दुक्तू। हाँ
जैसा कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुकतू, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर पैदल चलना है हमें जस्ट, और वो रहे हमारे कैंप्स, और सामने देखिए बिल्कुल वो है पंचाचुली जो सामने दिख रहा है आपको। तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, अल्टीमेट व्यू है, मज़ा आ रहा है एक तरफा। कल हम जाएंगे जीरो पॉइंट की तरफ, तो फिर चलो चलते हैं अभी फटाफट कैंप में, कुछ थोड़ा बहुत लाइट स्नैक्स वगैरह खाते हैं और मिलता हूँ आपसे। हमारी कैंप साइट जहाँ पर हम आज रुके हैं, ये देखिए चारों तरफ से ये कैंप ही कैंप है, और यहाँ से है पंचाचुली का व्यू बहुत ही अल्टीमेट, और उसके बाद ये है हमारा कैंप जहाँ पर हम आज का दिन गुजारने वाले हैं फॉर टुडेज नाइट। सो दिस इज काइंड ऑफ ऑसम एंड आई थिंक सो रात को ही हो जाएगा फ्रीकिंग कोल्ड। तो चलो अब हम करते हैं नाश्ता पानी जैसे मैंने बोला था। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, डायरेक्टली फ्रॉम पंचाचुली। तो सुबह के बज रहे हैं करीबन 7:30 और सनलाइट आ चुकी है, और ये देखिए पीक्स क्या प्यारी लग रही हैं। पंचाचुली बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है, फुल गोल्डन लाइट ऑन टॉप ऑफ द पीक्स। बाकी अब हम करते हैं अपनी ट्रैक की शुरुआत यहाँ से जीरो पॉइंट तक की, फिर जीरो पॉइंट पहुँच के अभी जो हमें यहाँ पर चार पीक्स विजिबल हैं, तो वहाँ से हमें पूरी की पूरी पांच पीक्स विजिबल होंगी, और ट्रैकिंग करने के बाद वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने के बाद आएंगे हम वापसी। तो चलिए मिलते हैं आपसे ट्रैक में अब डायरेक्टली। रात में पाला पड़ने की वजह से और इतना ज़्यादा ठंडा होने की वजह से कि देखिए नलके में भी बर्फ़ जमी हुई है, तो अगर आप पानी खोलेंगे तो ना ये टैप चल रहा है ना कुछ, और देखो पूरी बर्फ़ जमी हुई है। सो ठंडा तो अल्टीमेट है बिल्कुल, मज़ा भी आ रहा है, और व्यू तो बहुत ही क्लासिक है, और जस्ट इधर पहाड़ से सनराइज़ होते हुए। बस अब फटाफट चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, तो ये देखिए ये हैं आलू के पराठे, ये धीरज मेरे अंकल, बहुत ही शर्मा अंकल, सोम अंकल तो इज़ अ वेरी नाइस गाय, और बहुत मज़ा आ रहा है हमें इन सब की कंपनी में, और ये रहा पंचाचुली का व्यू। तो चलो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ट्रैक के लिए।